आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता जिनकी फिल्में पाकिस्तान में प्रतिबंध हैं और जिनके वीजा पर पाकिस्तान ने लगा रखा है आजीवन प्रतिबंध। जी हाँ, बॉलीवुड के 2.5 किलो के हाथ सनी देओल। बॉलीवुड की फिल्में और कलाकार आज दुनिया भर में बहुत ही फेमस हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में बॉलीवुड की फिल्में बहुत देखी जाती हैं। शाहरुख, सलमान, आमिर, दीपिका, करीना और आलिया समेत कई स्टार्स को पाकिस्तान में बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इसी पाकिस्तान में कुछ बॉलीवुड स्टार्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। पाकिस्तान के सिनेमा हॉल में इन अभिनेताओं की फिल्में भी नहीं लगने दी जाती हैं। इन बॉलीवुड स्टार में से एक हैं सनी देओल, जिन्हें पाकिस्तान में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सनी देओल की फिल्में बैन हैं, सिनेमा हॉल में उनकी फिल्में नहीं लगने दी जाती हैं। ये जनता का ही नहीं पाकिस्तान सरकार का भी फरमान है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी फिल्मों में शानदार एक्टिंग और दमदार डायलॉग की वजह से खूब धमाल मचाते हैं, लेकिन फिल्मों में धमाकेदार डायलॉगबाजी से रोंगटे खड़े कर देने वाले सनी देओल पाकिस्तान में बैन हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा सनी देओल के वीजा पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सनी देओल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं देखी जाती है सनी देओल की फिल्म, आइए हम आपको बताते हैं। सनी देओल ने देश प्रेम से भरपूर बॉर्डर, गदर, द हीरो और माँ तुझे सलाम जैसी फिल्में की हैं। इन सभी फिल्मों में उन्होंने पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं निभाई हैं। इस दौरान वो अपनी जबरदस्त डायलॉगबाजी से पाकिस्तान की खूब बैंड बजाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान को सनी देओल का यही अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उनकी फिल्में देखना पसंद ही नहीं करते हैं। आपको एक बात और बताते हैं, पाकिस्तान में गदर एक प्रेम कथा फिल्म पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सनी देओल की पाकिस्तान में बैन की वजह यही फिल्म बनी थी, गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म में उन्होंने ट्रक ड्राइवर तारा सिंह का किरदार निभाया था। भारत से पाकिस्तान जाने आने के दौरान तारा को पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्रेम हो जाता है, लेकिन सकीना के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं। इसके बाद तारा सिंह पाकिस्तान में घुसकर सकीना को भारत ले आता है। इस फिल्म में सनी देओल ने पाकिस्तान के विरोध में खूब डायलॉगबाजी की थी। इसके बाद ना केवल सनी देओल बल्कि उनकी फिल्मों को भी पाकिस्तान में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान सरकार ने भी उनसे वीजा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य देशों में रहने वाले पाकिस्तानी भी सनी देओल की फिल्में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि सनी देओल के वीजा पर क्यों प्रतिबंध लगा है, क्यों बैन लगा है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते हैं, उनकी फिल्में पाकिस्तान के सिनेमा हॉल में क्यों नहीं लग सकती हैं। हमें गर्व महसूस होना चाहिए ऐसे अभिनेताओं पर जो देशभक्ति की फिल्में बनाकर पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर देते हैं।